वहीं समाजवादी पार्टी की जातीय जनगणना पर यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया। सूर्य प्रताप ने कहा है कि हर चीज का एक तरीका होता है, नियम के तहत चीजें होती हैं। ऐसे ही जाति गणना की मांग करने से जाति गणना नहीं होगी, उनको करना है कि तो वह करते रहें। वहीं जातीय जनगणना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जातीय जनगणना के ये संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी सिवाय अराजकता के हल्ला बोल के और कुछ जानती नहीं है। वो कह रहे थे बिहार की तरह से, तो हम उत्तर प्रदेश को बिहार बनाना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश अब बिहार को काफ़ी पीछे छोड़ करके बहुत आगे जा चुका है और उत्तम प्रदेश की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के समाजवादी प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जात को तोड़ो और समाज को जोड़ो, और हम लोग जब छात्र थे उस समय उनके अनेक भाषणों को हमने सुना है जिसमें लगातार वो समाज के जोड़ने की बात करते थे। दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, आपको याद होगा यही और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है, उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर, अखिलेश सेंटर में जातीय जनगणना पर जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अखिलेश जी बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है। उनका राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर स्थिति में चाहे कितनी पहुंच का व्यक्ति हो, जो भी कानून सुनेगा उसके खिलाफ हम कानून के तहत कार्रवाई करते हैं और ये प्रतिबद्धता हम पुनः दर्शाते हैं। देखिए जिस तरीके से जो कार्रवाई सदन की, ये बाधित करना उचित नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई सवाल है, सरकार सारे सवालों के उत्तर देने के लिए स्पष्ट तैयार है। और जिस तरीके से आपने देखा कि सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी स्पीकर जी ने भी बार बार ये समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता गण हैं उनसे कहा कि आपके सवाल हैं, सरकार उसके उत्तर देने को तैयार है, सवाल सरकार सुनने को तैयार है, संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करना ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है।